अंदर का दृश्य देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं। सामने देख सकते हैं भगवान शिव का त्रिशूल, काफी विशाल का है त्रिशूल। ये सामने एक मंदिर, ये मंदिर और पर ध्यान रखते हैं। एक निवेदन और है कि जो महाराज श्री के दर्शन के लिए आप लोग पंक्तिगत हो रहे हैं, कृपया जो लोग दर्शन कर यहाँ देख सकते अघोरपीठ साहित्य केंद्र, बाबा अघोरपीठ का ये प्रधान कार्यालय का पता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं, साथ में विशेष गुरु की पूजा करने का एक महत्व रखा गया है, जिसमें आज के दिन ही गुरुओं से एक मंत्र की प्राप्ति करते हैं। इसी के क्रम में आज बाबा कीनाराम के स्थल पर, यानी वाराणसी के रविंद्रपुरी में बाबा कीनाराम के स्थल पर ढेर सारी शिष्यों का भीड़ लगा हुआ है दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते दिखाते हैं आपको बाबा कीनाराम स्थल का पूरा दृश्य। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल है। आज गुरु पूर्णिमा है, 21 जुलाई 2024 आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु के चरणों में जो सम्मान देने के लिए लोग आए हुए हैं, शिष्य लोग, आज यहाँ पर उसी का ये मेला का आयोजन है। देखिए ढेर सारे संख्या में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल पर लोग आए हुए हैं। चलिए चलते हैं दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य। देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की भीड़, ये पुलिस प्रशासन लगी हुई है भीड़ को प्रबंधन करने के लिए। काफ़ी दूर तक गाड़ियों के कतार लगे हुए हैं। और यहीं पर सामने देख सकते हैं होटल ब्रॉडवे है। यहाँ से रास्ता है आपको अंदर प्रवेश करने के लिए। इस साइड से गाड़ी का आवागमन हो रहा है, यानी कि वन वे कर दिया गया है। इधर से जाने के लिए रास्ता है आपको कीनाराम बाबा स्थल के लिए। ये दुकानें लगी हुई हैं। सूर्यास्त हो चुका है, शाम हो चुका है बिल्कुल। इधर देख सकते कतार बनाने के लिए ये बांस बल्ली लगा दिया गया है, ताकि लोग कतार में आवागमन करें। और ऊपर से टेंट लगा हुआ है, नीचे ये देख सकते हैं कारपेट बिछाया गया है। यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये मेन गेट है जहाँ से प्रवेश करना है। देख सकते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल पर आए हुए सभी भक्तगण श्रद्धालु गणों का स्वागत और अभिनंदन करता है। ये यहाँ पर देखिए मेडिकल कैंप लगा हुआ है। और शिष्य दर्शन पाने के लिए ये लाइन लगी हुई कतार में लगे हुए हैं। अंदर का दृश्य देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ मेडिकल कैंप है, यहाँ का सामने देख सकते हैं भगवान शिव का त्रिशूल, काफ़ी विशाल का है त्रिशूल। ये सामने एक मंदिर, ये मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी गुरु पूर्णिमा में आए शिष्य हैं सब यहाँ ठहरे हुए हैं। माता जी पुनः अगर पूछ सकते हैं।
जय भगवान। लाखों की संख्या में भक्तजन यानी शिष्यगढ़ आए हुए हैं यहाँ पर बाबा कीनाराम जी के दर्शन करने के लिए। चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है भक्तजनों के लिए। ये देखिए खरगोश उधर है, अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है यहाँ का। यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे गन्ने गुन्ने बच्चे हैं, ये पंडाल में भीड़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वो प्रांगण के बाहर ना जाने पाए, उनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी। इस मंदिर पे देखिए काफी भीड़ लगी हुई दर्शन करने के लिए। इस प्रांगण में जितने भी रोड हैं रास्ते बनाए गए सब पर जबरदस्त भीड़ है। काफी बड़ा प्रांगण है बाबा कीनाराम जी का, काफी बड़ा स्थल है ये। इधर देख सकते हैं ये दुकान लगी हुई कुछ कंठी माला इत्यादि के, यहाँ पर अघोर साहित्य के बारे में बताया जा रहा है, औषधि केंद्र यहाँ में मिलता है, शुद्ध पेयजल कूलर इत्यादि की व्यवस्था भक्तजनों के लिए शिष्यों के लिए किया गया है। आज यहाँ पर बहुत बड़ा मेला का आयोजन है। उचित दूरी बनाए रखेंगे और किसी के ऊपर अगर आपको ज्यादा होता है तो उसके तत्काल मंदिर यहाँ पर जो सुरक्षा अधिकारी है उनको देने का कष्ट करेंगे। और आप अपने बाबा का दरबार यही है, जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी क्योंकि यहाँ से लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए अघोर बाबा का। बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। एक निवेदन और है कि महाराज श्री के दर्शन के लिए आप लोग पंक्तिगत हो रहे हैं, कृपया जो लोग दर्शन कर यहाँ देखते हैं अघोरपीठ साहित्य केंद्र बाबा अघोरपीठ का ये प्रधान कार्यालय का पता है। ये बाहर का कुछ इस प्रकार का दृश्य है रोड पर। रोड पर भी प्रशासन लगी हुई है भीड़ को प्रबंधन करने के लिए, दुकानें लगी हुई है, ये रास्ते आने के लिए है और ये प्रवेश द्वार है। इस रोड को वन वे कर दिया गया है, एकल मार्ग कर वाहन उधर से जा रहे हैं, लोग इधर से आवागमन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये वन वे इस रास्ते पर कर दिया गया है। दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय गुरु पूर्णिमा। हमारे सभी गुरुओं को वीडियो के माध्यम से चरण स्पर्श।